हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में अपन प्रेरित द्विध्रुव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था। आज इस लेक्चर में प्रेरित द्विध्रुव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डायग्राम के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्रेरित द्विध्रुव बल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब है कि पहले तो डाइपोल प्रेजेंट नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से दो डाइपोल जनरेट हुए और उन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेरित द्विध्रुव बल, और इसको अपन लंदन फोर्स कहते हैं। सपोज यह एक अध्रुवीय परमाणु है और इसी के नज़दीक दूसरा एक और अध्रुवीय परमाणु प्रेजेंट है। अध्रुवीय परमाणु और यह भी है एक अध्रुवीय परमाणु, क्लियर। लेकिन सपोज किन्हीं कारणों से, क्योंकि जब कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उनके बीच में कोलिजन्स भी होता है, और इन कोलिजन्स के वजह से जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में न रह कर उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से सपोज न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसके वजह से थोड़ी देर के लिए यह एक डाइपोल फॉर ए जस्ट इन्फाइनाइटली स्मॉल मोमेंट यह एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। अब अगर यह डाइपोल हो गया, दैट मीन्स यह कैसा कहलाएगा, अब प्रेरित द्विध्रुव, क्लियर। इस प्रेरित द्विध्रुव, इस अध्रुवीय परमाणु में डाइपोल के जनरेशन के वजह से इसके पास प्रेजेंट दूसरा अध्रुवीय परमाणु वो भी क्या होगा, पोलराइज। अगर इसे नेगेटिव है तो इसके पास कौन शिफ्ट होगा, पॉजिटिव, क्लियर। ये पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित फोर्स, दैट इज लंदन फोर्स, क्लियर। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, लंदन फोर्स, इसकी एनर्जी जो है, ये जो फोर्स है इसकी एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू -3i α1 α2 डिवाइडेड बाय 4r6। यहाँ पर जो i है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनन ऊर्जा, इज दैट क्लियर, ओके। एंड रेस्ट पैरामीटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, क्लियर। अब अगर अपन जो डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी करिए, इनकी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, तो आप देखिए सबसे जो स्ट्रांग होगा वो होगा आयन द्विध्रुव। इसका जो स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो सबसे ज्यादा होगा आयन द्विध्रुव बल, फिर है द्विध्रुव बल और इससे कम होगा आयन प्रेरित द्विध्रुव बल, और इससे कम स्ट्रॉन्ग का होगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल और सबसे वीक होगा प्रेरित द्विध्रुव बल, क्लियर। तो यह अपन ने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं,
किस तरीके से ये एक्ट करते हैं और इन डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एनर्जी क्या होती है, इन डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में अपन ने डिटेल में स्टडी किया। अब अपन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इसमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हेडिंग डालिएगा ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में, ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में संरचनात्मक भिन्नता। क्लियर? इसमें क्या करना है आपको, चार कॉलम बनाने हैं आपको, एक, क्लियर, यहां आ जाएगा आपका ठोस, सॉरी इधर लिख लीजिए आप गैस, फिर ठोस और यहां आ जाएगा आपका द्रव। क्लियर? ओके। इसमें सबसे पहले जो यहां लिख लीजिए गुण, जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे अपन इनका जो डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे, वो है अंतराणविक बल एवं अंतराणविक दूरियां। अंतराणविक बल तथा अंतराणविक दूरियां। क्लियर? गैस में लिख लीजिए अणुओं के मध्य दुर्बल प्रवृत्ति के, अणुओं के मध्य दुर्बल प्रवृत्ति के वांडरवाल आकर्षण बल पाए जाते हैं। अतः अंतराणविक दूरियां अधिक होती है, अतः अंतराणविक दूरियां अधिक होती है। क्लियर? जबकि ठोस की बात करें तो अणुओं के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। क्लियर? अतः अंतराणविक दूरियां अत्यधिक कम होती है। क्लियर? जबकि लिक्विड्स के अंदर अणु के मध्य मध्य पाए जाने वाले अणुओं के मध्य पाए जाने वाले अंतराणविक बलों की प्रबलता, लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है उसका स्ट्रेंथ, दैट इज प्रबलता, गैस तथा ठोस की मध्यवर्ती होती है।
क्लियर। गैस के अंदर वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं जिनका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम है, अट्रैक्शन कम है, तो कंस्टेंट पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जिसकी वजह से उनके बीच की दूरी कम होती है, जबकि लिक्विड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह की बॉन्डिंग्स पाई जाती है और जिसकी स्ट्रेंथ सॉलिड्स एंड गैसेस की जो स्ट्रेंथ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसकी इंटरमीडिएट होती है। क्लियर। दूसरा जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे अपन इसका स्टडी करेंगे वो है गतियां, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तीनों तरह की गतियां पाई जाती है, जबकि इसके अंदर ओनली वाइब्रेशनल दैट इज कंपन, केवल कंपन गतियां पाई जाती है, ठीक है, जबकि लिक्विड्स के अंदर वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, रोटेशनल मतलब घूर्णन। क्लियर। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, स्थानांतरण गतियां। इस सेट क्लियर पाई जाती है। थर्ड है शेप, दैट इज आकृति। गैसेस की निश्चित नहीं होती है आकृति, इनकी भी निश्चित नहीं होती है, जबकि लिक्विड्स की भी निश्चित नहीं होती है। क्लियर। अब है फोर्थ आयतन। आयतन की बात करें तो इनका आयतन जो है वो भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन वॉल्यूम गैसेस का निश्चित, सॉरी आप देखिए शेप की बात करें तो सॉलिड्स का जो शेप होता है वो निश्चित होता है, लिक्विड्स का निश्चित नहीं होता है और गैसेस का भी निश्चित नहीं होता है। आयतन की बात करें तो इसका निश्चित नहीं होता है, ठोस का निश्चित होता है, लिक्विड्स का अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो भी निश्चित होता है। ध्यान रखिएगा आप इस चीज को। क्लियर। नेक्स्ट है घनत्व। गैस की अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम होता है इन तीनों में, सबसे अधिक होता है, और यहां अगर डेंसिटी की बात करें तो मध्यवर्ती होता है। क्लियर। सिक्स्थ है विसरण। विसरण की बात करें अगर डिफ्यूजन, तो गैस के अंदर सबसे अधिक विसरण की प्रवृत्ति होती है, सॉलिड के अंदर नहीं होती है, विसरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, और यहां पर पाई जाती है। लेकिन विसरण की प्रवृत्ति जो लिक्विड्स के अंदर है वो गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट है समदैशिकता तथा विषम दैशिकता, आइसोट्रोपी एंड एनाइसोट्रोपी। समदैशिकता एवं विषम दैशिकता, क्लियर। तो इसमें लिख लीजिए
जो गैसेस है वो क्या शो करती है, आइसोट्रोपी मतलब समदेशिकता। क्लियर। जो सॉलिड्स है वो विषमदेशिकता शो करते हैं और जो लिक्विड्स हैं वो क्या शो करेंगे, समदेशिकता। क्लियर। तो ये अपन ने स्टडी किया सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस की स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या होता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। थैंक यू।